देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश की संस्कार धानी माँ नर्मदा के आशीर्वाद से समृद्ध एवं संपन्न जबलपुर नगरी अब औद्योगिक विकास की रेस में नए अध्याय लिखेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन 2047 को साकार करने की दिशा में मध्य प्रदेश भी अपना योगदान देने के लिए संकल्पित है। 20 जुलाई को जबलपुर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में देश दुनिया के उद्योगपति एवं निवेशक राज्य की आर्थिक नियति को सुदृढ़ आकार देने की तैयारी करेंगे। कॉन्क्लेव में लगभग 1500 निवेशक सहभागिता कर खनन और खनिज, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी, कपड़ा और परिधान, एयरोस्पेस व रक्षक क्षेत्रों जैसे सेक्टर्स में निवेश के लिए संभावनाएं तलाशेंगे। प्रदेश में स्थापित व स्थापनाधीन लगभग 70 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी सम्मेलन के दौरान किया जाएगा, जिससे लगभग 1,222 करोड़ का निवेश एवं लगभग 3,444 रोजगार सृजित होने की संभावना है। सुविधाएं एवं अवसर है विशेष, मध्य प्रदेश में करें निवेश। 10 इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं, लोकार्पण भूमि पूजन के 100 लोग हैं जो कि जिनके कार्यक्रम जिनकी फैक्ट्री चालू होना है या उस तरह का होना है। 50 हमारे स्पीकर हैं जो कि अलग सेक्युलर सेशन में या वर्चुअल सेशन में बात करेंगे और अपनी बात रखेंगे। और सीनियर ऑफिसर्स की संख्या लगभग 100 के आसपास है। कुल मिलाकर 980 लोगों का पार्टिसिपेशन रखा है। कुछ कम आते कुछ ज्यादा आते, कुल मिला के 800 के आसपास वो एडजस्ट हो जाएगा। जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन है वो लगभग 3,570 लोगों का रजिस्ट्रेशन है, जिसमें 3,000 मध्य प्रदेश से है, बाकी अलग अलग जगह से है। जो सेक्टर वाइज पार्टिसिपेशन है इसकी जानकारी मैं आपको बांट दी बटवा दी।